Sir, you have to look over here. Yeah, I don't have to look at you. No, sir. Okay. Beech mein, but I can look at you and go. Yeah. Okay, sir, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक. First season को बहुत ही अच्छा response मिला. Second, कितना pressure है सबसे पहले तो ये जानना चाहिए क्योंकि लोगों की बहुत expectation है second season. एक्चुअली पिछले 4-5 दिन में प्रेशर थोड़ा सा ईज आउट हो गया है क्योंकि जब आने से पहले मैं बहुत ही नर्वस था क्योंकि हम लोग सीज़न 2 में जो सीज़न 1 है उससे कुछ अलग ही पेस पे चले जाते हैं हम लोग और एक यू नो अलग इनफैक्ट मैं कहूँगा सीज़न 2 का जॉनर ही अलग है एज़ कम्पेयर टू सीज़न 1 तो इसलिए नर्वसनेस तो थी बहुत बट पिछले 5-6 दिन में जो रिएक्शंस आए हैं जो रिस्पॉन्स आया है अभी तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ क्योंकि तब मैं डरा हुआ था अभी मैं सबको बहुत सीना चौड़ में बोलता हूँ कह रहे सीजन 2 देखो सो हाँ ओके सेकंड सीजन में ऐसा क्या नया जो दिखने वाला लोगों जो सरप्राइज कर दे आई थिंक ड्रामा जो है बहुत एंगेजिंग है यू नो आप अनप्रिडिक्टेबल है आप सोच नहीं रहे होते कहानी कहाँ जा रही है और नई नई कुछ कुछ चीज़ें होती रहती हैं क्योंकि सीजन्स में या सीरीज़ में आपको एक ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हम कई चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं और उनको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से जोड़ सकते हैं जो कि फिल्म में क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है तो आई थिंक बहुत अच्छा लिखा है पैडी ने सीज़न 2 और बहुत अच्छे से बनाया भी है आई थिंक एक्टिंग भी ठीक ठाक हुई है मेरे हिसाब से सबकी नील नए कैरेक्टर आए हैं विलियम का कैरेक्टर है तो उस वजह से जो ऑफिस में जो उथल पुथल हो रही है वो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रामा है उस वजह से हर कैरेक्टर की लाइफ में क्या असर हो रहा है यू नो हेमा की लाइफ में अमित की लाइफ में आशिक जबीर की लाइफ में फिर पैरेलली एक भुवन सोनम का भी एक ट्रैक चल रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है तो और सभी के मतलब शर्मिष्ठा कैसी अब रिएक्ट कर रही है तो आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बना है कैरेक्टर्स को बड़ा अच्छे से लिखा है तो अच्छा बना है वेब सीरीज की बात करें तो वेब सीरीज जब इतना फेमस या इतना कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिले उसके पहले से आप वेब सीरीज कर रहे थे पहले से सो ओके वेब सीरीज जो पास्ट और अभी के जो कंटेंट्स जो आ रहे हैं गाइस कंपेयर टू फुल फीचर फिल्म बहुत ही बेहतर आ रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे देखिए ये तो मेरे ख्याल से हमेशा से एक स्ट्रगल रहा है अच्छी कहानियाँ बनाना तो ऐसा नहीं है कि पिछले 4 साल में अच्छी चीज़ें भी बनी हैं और कई बहुत बुरी चीज़ें भी बनी हैं वेब के बड़ा होने से हमें बहुत अच्छी कहानियाँ भी मिल रही हैं और बहुत सारा एवरेज कंटेंट भी आ रहा है जैसे फिल्मों में होता है जैसा टीवी में होता है जब चीज़ें बनती हैं जब इतने सारे लोग बनाते हैं तो अभी भी अच्छी कहानियाँ तो कम ही बन रही हैं बट बन रही हैं जो अच्छी बात है सबके लिए जितने भी क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है एक्टर्स के लिए डायरेक्टर्स के लिए राइटर्स के लिए लोगों को काम ज़्यादा मिल रहा है और ऑडियंसेस को भी ऑप्शंस अब इतने हो गए हैं कि कई अच्छी चीज़ें तो उन्होंने उनको देखने का समय नहीं है क्योंकि नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन भी आ चुके हैं तो इंटरनेशनल शोज़ का तो लेवल ही अलग है तो लोग कई बार प्रेफर करते हैं वो देखें बट हिंदुस्तान में भी कुछ कुछ कहानियाँ वहाँ पहुँच रही हैं उस लेवल पर उतनी एंगेजिंग उतनी रियल उतनी टचिंग सो इट्स अ गुड फेस फॉर एवरी वन ईयर ओके वेब सीरीज की बात करें सो ऐसी कोई जो सब्जेक्ट है जिस पे आप काम करना चाहिए आपके मन में है ऐसा कोई मैंने तो अभी कुछ खास एक्सप्लोर किया ही नहीं है यार मैं तो बहुत थोड़ी सी चीज़ें करी हैं तो मैं तो बहुत कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अभी मुझे पता नहीं मैं करूँगा कैसा लेकिन अभी तो बेसिक्स भी नहीं करे हैं जैसे मैंने तो कोई एक लाइट हार्टेड कॉमेडी भी नहीं करी है रोमांस भी नहीं किया है कोई कोर्टरूम ड्रामा नहीं किया है कोई इंटरेस्टिंग थ्रिलर नहीं किया है तो अभी तो सब कुछ बचा है एक्चुअली तो आई हैव टू एक्सप्लोर ऑलमोस्ट एवरीथिंग आई हैव जस्ट टच्ड फ्यू थिंग्स ओके आपके कैरेक्टर की बात करें तो ये जो पहले सीजन था उसमें देखा इंग्लिश बोलना उसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है हाँ, और ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो निजी दिल्ली के जो रियल लाइफ में देखे बहुत डिफिकल्ट होता है और शाय भी फील करते हैं उसके वजह से बहुत जगह बात नहीं कर पाते जी जी तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए कि इंग्लिश इज अ मस्ट आना आई थिंक अगर ज़्यादा भाषाएं आती हैं आपको तो ये अच्छा ही है और अंग्रेज़ी क्योंकि हमारी स्पोकन लैंग्वेज है हिंदुस्तान की तो आना बहुत इम्पोर्टेंट है ज़रूरी है लेकिन ये 90s में और भी ज़्यादा था क्योंकि हर जगह जो स्पोकन लैंग्वेज थी जो प्रोफेशनल ऑफिस की जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी आज की डेट में भी है पर आज की डेट में मुझे लगता है स्टिल लोकल लैंग्वेजेस को वो रिस्पेक्ट मिल रही है बिकॉज लोग क्या हैं जो अब हमारे स्मॉल टाउन के एक्चुअली लोग राइज कर रहे हैं यू नो और 90s में ये कहानी में भी वही दिखाया है ये उस दौर की कहानी है जब स्मॉल टाउन बड़े शहरों में आ रहा था और अपना एक मुकाम बना रहा था
अब आज की डेट में वो स्मॉल टाउन के लोग बहुत राइज कर चुके हैं, यू नो, वो पॉलिटिक्स में लीड में हैं, वो स्पोर्ट्स में लीड में हैं, वो फिल्म्स में सुपरस्टार्स बन चुके हैं, वो यूट्यूब के बड़े स्टार्स बन चुके हैं। तो अब वो जो है वो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। तो जब अब आम आदमी देखता है कि अरे ये आदमी हिंदी में बात कर रहा है, तो मैं इट्स कूल टू टॉक टू पीपल इन हिंदी, यू नो। तो फिर वो लोगों का कॉम्प्लेक्स धीरे धीरे कम होता है, लोग जो हैं अपनी खुद की आइडेंटिटी से इतना उनको कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इवन इफ देयर पीपल हु कांट स्पीक इन इंग्लिश। आई थिंक इट्स दैट कॉम्प्लेक्स इज स्लोली एंड यू नो स्टेडिली गोइंग अवे। पीपल आर कूल विद देयर ओन, लाइक पीपल आर गेटिंग मोर कम्फर्टेबल इन देयर ओन स्किन। क्योंकि आज के डेट में देखिए ना, हमारे नवाजुद्दीन सुपरस्टार हैं, वो कोई बहुत कमाल की अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं, लेकिन वो सुपरस्टार हैं। क्रिकेट में हमारे बड़े बड़े सुपरस्टार्स रहे हैं जो हिंदी में बात करने में ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं। तो जैसे लोग लीडर्स को देखते हैं अपने, वो वैसे ही इंस्पायर होते हैं यार। ओके लास्टली, एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट अदर देन थिंग दिस टाइम यू लाइक टू शेयर विद अस? यार अभी मैंने इसी साल एक फिल्म करी है मैन टू मैन करके, और बड़ी इंटरेस्टिंग और अतरंगी सी फिल्म है वो। तो उसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, मुझे पता नहीं वो बाहर कब आएगी, लेकिन आई कांट वेट फॉर इट टू कम आउट। आई रियली वॉन्ट टू नो वट पीपल थिंक अबाउट इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू शो विद MX प्लेयर अगेन, इट्स कॉल्ड रन अवे लुगाई। आई हैव प्लेड भोपाली इन थिंकिस्तान, आई एम गोइंग टू प्ले अ बिहारी इन दैट शो। हालांकि मैं बोस में बिहारी प्ले कर चुका हूँ एक बार, बट वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सा बिहारी था, ये थोड़ा सा और रूटेड है, और ये थोड़ा फन शो है, यू नो, इट्स अ लिटिल लाइट हार्टेड शो। इट्स कॉल्ड रन अवे लुगाई, इसकी बीवी भाग गई है, ऐसा कुछ है अगर वन लाइन में। तो मेरे फादर का रोल संजय मिश्रा कर रहे हैं, तो हम मिलके उसको ढूंढने वाले हैं, कुछ ऐसी कहानी है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। आई विल बी शूटिंग इन पटना, एंड इट्स गोइंग टू स्टार्ट इन लाइक अबाउट 6-7 डेज। या ओके सर, लास्टली एनीथिंग यू लाइक टू से टू योर ऑल द फैंस ऑफ द थिंकिस्तान इज कमिंग वेरी सून? I really want you guys to watch the show Thinkistan season 2. I think हमने बड़े दिल से बनाया है, और जिस किस्म के वेब शोज आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं उससे मेरे ख्याल से थोड़ा अलग है। ऑफिस पॉलिटिक्स है तो आप सब रिलेट कर पाएंगे, और बहुत रियल वर्ल्ड में सेट है। आई थिंक इमोशंस, कैरेक्टर्स, आप सबसे कनेक्ट कर पाएंगे, एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो गोइंग टू शॉक यू। थैंक यू, सेम, थैंक यू।